स्वागत है आप सबका द 100 के अंदर। डबल हेडर का पहला मैच है, संडे का दिन है, मुकाबला है यहाँ पे सदर्न ब्रेव बनाम नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के बीच में, जो खेला जाएगा द रोजबॉल साउथहैम्पटन के ऊपर। इस वेन्यू को एजेस बोल के नाम से भी जानते हैं। मैच टाइमिंग है शाम के 7 बजे। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट टेबल का रुख करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 8 टीम्स खेलती है, टॉप 3 टीम्स क्वालिफाई करती फॉर द प्ले ऑफ। ये दोनों टीम्स की स्टैंडिंग पोजीशन देखें आप, सदर्न ब्रेव 5वें स्थान के ऊपर है। ये टीम 2 मैच खेली है, 1 जीती है 1 हारी है। नेट रन इस टीम का माइनस के अंदर है 0.100। वहीं बात करते हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की, बड़ी अनलकी टीम है, जो उनका पहला मैच था अगेंस्ट बर्मिंगम था और वहां पर 80 बॉल का मैच हो चुका था, जिसके अंदर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स का दबदबा था और लगभग यही टीम जीतती। बट क्या हुआ, बारिश आती है, मैच कॉल्ड ऑफ हो जाता है। तो इस टीम का आप देखें, नेट रन रेट 0 है, पॉइंट्स इनको सिर्फ 1 मिला है, बारिश की वजह से पॉइंट शेयर करे थे। तो ये जो मैच है बहुत ही बढ़िया आपको गेम देखने को मिलेगा, हल्की से बारिश के आसार है बट आपको मैच होता हुआ दिखेगा। अब देखें इस वीडियो के अंदर आपको करीबन 73 स्लाइड्स देखने को मिलेंगी, जो आपको हेल्प करेगी एक बेहतरीन फैंटेसी टीम बनाने में। इस वीडियो के अंदर अपन पिच रिपोर्ट देखेंगे, हेड टू नंबर्स देखेंगे, वेन्यू नंबर्स देखेंगे, प्लेयर का फॉर्म और आखिरी के अंदर मैचेस, किस बॉलर ने किस बैटर को कितनी बार आउट किया है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो आपको करना क्या है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। क्या फ़ायदा है, यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। 6:30 बजे टॉस है, 7 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। इस आधे घंटे के अंदर आपको मैं पिचेस की फोटो ला के दूंगा और इससे पहले यहाँ पे विमेंस का गेम होगा, जो ऑब्जर्वेशंस मैं देखूंगा मैच के अंदर वो आपको बता दूंगा। कोई भी जो डेटा मेरे को मिलती है मैच से पहले वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। फाइनल टीम्स भी मिल जाएगी, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। द रोजबॉल साउथहैम्पटन के ऊपर मैच है, बड़ा ही खूबसूरत है मैदान है। इस वेन्यू के ऊपर परसों के दिन अभी अपन ने मैच देखा था, 4 तारीख को मैच था, 4 अगस्त को सदर्न ब्रेव वर्सेस वेल्शायर का गेम था। उस गेम में हुआ क्या था, जो टीम पहले बैटिंग करने आई यहाँ पे सदर्न ब्रेव 147 रन बनाती है 8 विकेट गवा के, फिर आती है वेल्शायर चेस करने 145 पे 7 विकेट गवा देती है, सिर्फ 3 रन से पीछे रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ 3 रन से। इस मैच के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं क्रिस जॉर्डन, कमाल की पारी खेली थी 70 रन की, नाबाद। जहां पर ये टीम लग रहा था 110-120 रन भी नहीं बना सकती, टीम 148 का टारगेट दे देती है। जॉर्डन क्या इनिंग्स थी भाई साहब, बॉलिंग नहीं कराई थी जॉर्डन ने पिछले गेम में, मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ। यदा शहनशाह अफरीदी ने एक बॉल डाली थी, पेस ऑन मतलब तेज गेंद थी, क्रिस जॉर्डन को लगा स्लोअर बॉल आएगी और सीधा उनकी बॉल आके लगती है कमर के ऊपर, तो उनके यहाँ पे हिप के अंदर दिक्कत होने लग गई थी इस एरिया के अंदर। इस वजह से बॉलिंग करने नहीं आए थे, फील्डिंग भी करने नहीं आए थे, मतलब ग्राउंड पे उतरे ही नहीं, बैटिंग करके ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। तो आप देखें, फिर उससे पहले एक और मैच हुआ, 150 बना टारगेट चेस हो गया 89 बॉल्स के अंदर, 138 बना 6 विकेट गवा के टारगेट चेस हो गया 95 बॉल्स के अंदर, क्योंकि 100 बॉल का टूर्नामेंट होता है। 188 बना 3 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती है 120 पे सिमट जाती है। 146 बना, टीम 138 बना पाती है, 107 जैसा साधारण स्कोर, चेस हो गया 69 बॉल्स के अंदर। तो पिछले 6 मैचेस में हुआ क्या है, बैटिंग फर्स्ट 3, चेस करते हुए 3 मैचेस जीता गया है, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और ऊपर से ये डे गेम है, ये मैच दोपहर के 2:30 बजे स्टार्ट होगा साउथहैम्पटन के अंदर, अपने से साउथहैम्पटन 4.5 घंटे पीछे है, माइनस करके देख लो 7 में से 4 गया 3 में से आधा घंटा गया 2.5, मतलब मेरा गणित तो सही रहा हमेशा, मेरे पास 11th-12th के अंदर मैथ सब्जेक्ट था इसलिए मैं गणित में थोड़ा सा तेज रहने की कोशिश करता हूँ, तेज दिखता हूँ आपको। सदर्न ब्रेव की बात करना है, इस वन की पर 9 मैच खेला है, 7 मैच जीता है, सिर्फ 2 मैच हारा है। और बड़ी बात क्या बताएं, यहाँ पर अगेंस्ट नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ये हारी थी टीम, ये चीज़ देखो आप। तो आप देखें नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स हारी, मेरे कहने का मतलब नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स यहाँ पे 1 मैच खेल के 1 मैच हारी है। सदर्न ब्रेव का तो होम ग्राउंड, इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, सदर्न ब्रेव का होम ग्राउंड है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली आप पढ़ सकते हैं। प्रति ओवर यहाँ पे 7.5 के आसपास रन बनते हैं और जो लास्ट मैच हुआ था 4 अगस्त को परसों के दिन, उस गेम में 11 विकेट पेसर का था, 3 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स का था। विकेट कॉलम को समझते हैं, लास्ट 6 गेम्स में पेसर्स ने 42 विकेट निकाला है, पहली बारी में 25, दूसरी बारी के अंदर 17। राइट आर्म पेसर का 27 है, लेफ्ट आर्म पेसर्स का यहाँ पे 15 विकेट से इस वेन्यू के ऊपर द 100 के अंदर। अब चलते हैं स्पिनर्स की तरफ, 17 विकेटें हैं पहली बारी में, 7 पहली बारी के अंदर 7 है और दूसरी बारी के अंदर 10 विकेट से स्पिनर्स का, ऑफ स्पिनर्स का 3, लेग स्पिनर्स का 8, लेफ्ट आर्म चेनमैन का 3, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का भी 3 विकेट है। डे गेम है,
और वैसे मोस्टली पेसर से गेम में आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस रहेगी। या आप यहाँ पे पिच की फोटो देख सकते हो, फिन एलन जब बैटिंग कर रहे थे उन्होंने हेलमेट कैम पहना हुआ था, मतलब हेलमेट के ऊपर उनका कैमरा था, तब मैंने पिच की फोटो निकाली छुपके से। मेरा काम ही भाई साहब यही है आप सबके लिए डेटा लाना। तो पिछले गेम में पिच पे ज़्यादा ग्रास नहीं थी, बहुत बढ़िया सरफेस लग रहा था देखने के अंदर, ये आप देख सकते हो ऐसा सरफेस था लास्ट मैच के अंदर। डायमेंशंस थोड़े बड़े पॉकेट्स होते हैं आके, जो मैंने सुना था कमेंटेटर से 74 के आसपास यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज है और सामने की आपको 75 मीटर्स के दिख। यह स्टेडियम का व्यू, बड़ा खूबसूरत है मैदान। और ये आप देखिए लाइटिंग होती है यहाँ पे जब फील्डर्स ग्राउंड के अंदर एंटर करते हैं, विकेट्स गिरते हैं, बड़े बड़े छक्के लगते हैं, तो बहुत ही प्यारा स्टेडियम है। पार्किंग है यहाँ पर, आप भी जाइए कार पार्क कीजिए, स्टेडियम में मैच देखिए। ये देखिए बड़ा खूबसूरत है मैदान, लेट्स सी क्या होता है इस क्लैश के अंदर। बारिश के आसार देखते हैं, ये मैच कितने बजे, 2:30 बजे बारिश हो सकती है, फिर 4 बजे भी बारिश हो सकती है, हल्की सी 4 बजे बारिश कम है, बस मैच के अंदर स्टार्ट में थोड़ा सा डिले हो सकता है, चीज़ आपको ध्यान देनी, बाद में बारिश के चांसेस लगभग जीरो है, बारिश नहीं होने की बाद में, बट स्टार्टिंग में हल्की सी बारिश हो सकती है इस मैच से, जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट से पहले। 100 ओवर का टूर्नामेंट है, जो ज़्यादा रन स्कोर करता है जीत जाता है। रूल्स आप पढ़ सकते हो यहाँ पे या स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने खुद से लिखे हैं ओन रूल्स। सदन ब्रेव स्टेफन फ्लेमिंग कोच है और सुपर चार्जर्स के आपको जेम्स फॉस्टर दिखते हैं, कैप्टन तो आपको पता है विंस और एक तरफ वैन परनेला है। दोनों टीम्स आपस में 2 मैच खेले, दोनों टीम्स ने एक एक मैच जीता है रिस्पेक्टिव अपने होम ग्राउंड के ऊपर, दोनों टीम्स ने जीता हुआ है। चलते हैं 11 की तरफ। सदर मेरी की तरफ से ओपन करता है डेवन कॉनवे, फिन एलन के साथ जेम्स विंस 1 डाउन आते हैं, लुइस डुप्ले 2 डाउन है, टिम डेविड, जेम्स वुलर, गर्टन, रियान अहमद, क्रेग ओवरटन, क्रिस जॉर्डन, फिर आपको दिखता है टिमार मिल्स। नॉर्दर्न सुपर चार्जर स्टॉम बेंटन ऊपर करेंगे एडम लाइथ के साथ, मैथ्यू शॉट, हैरी ब्रूक, एडम होर्स, सैफ जैम, डेविड वी से, ब्रैंडन कर्स, फिर आपको वैन परनेल दिखते हैं इस टीम के कैप्टन, ओवरसीज प्लेयर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, आदिल राशिद द लेगी, रिस टॉपली द लेफ्ट आर्म पेसर, टॉल पेसर कह लो, बहुत ज़्यादा हाइट है भाई के पास। स्टैट्स की बात करते हैं, फिर नैलगर 1 मैच में 42 रन से बैटिंग फर्स्ट करते हुए, वैनी के ऊपर 2 मैच में 35 रन से बैटिंग फर्स्ट, 14 चेस के ऊपर 21 है। रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा ठंडा ही रहा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू स्कोर बिग इन दिस टूर्नामेंट बिकॉज ये टूर्नामेंट उसको सूट करता था 100, जो मैंने देखा लास्ट गेम में भी ड्रीम टीम कैसा था। ये कॉनवे लगभग पिछले 4-5 मैचेस से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, 4-16, 38-24, 30-0, मतलब आप समझो पिछले 6 मैच में भी 50 आई नहीं है। आमतौर पर डेवन कॉनवे के साथ ऐसा देखने को नहीं मिलता, हेड टू हेड नहीं खेला, वेनी के ऊपर 3 मैच में 38 रन है, बैटिंग फर्स्ट 4, चेस के ऊपर 0-34 है। विंस 2 मैचेस में 21 रन है, 8 और 13 चेस के ऊपर किया, वेनी के ऊपर 96 मैचेस में 2900 रन है, 134 का स्ट्राइक रेट है, 35 के औसत रन का होम ग्राउंड है, लोकल प्लेयर है यहाँ का विंस और सुपरस्टार क्रिकेटर है यहाँ का, 2 शतक है इस वेनी के ऊपर, 22 अर्धशतक है, 18 बार इसने 30-50 के बीच में स्कोर किया है 93 इनिंग्स में, इज एन सुपरस्टार, आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू स्कोर बिग, बड़ी बारी खेल सकते हैं। लुइस डुप्लॉय 1 मैच में 21 रन है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए नाबाद, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 48 रन है, 30 और 18 बैट फर्स्ट के अंदर बनाया है इसने, अच्छा क्रिकेटर है, साउथ अफ्रीकन बॉर्न क्रिकेटर है, वहाँ पे पहले क्रिकेट खेलता था, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ की नेशनलिटी इसने ले ली, लेट्स सी कैसा योगदान होता है इसका। गर्टन का 2 मैच में 1 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 1 मैच में 1 विकेट है, वेन्यू के ऊपर हमेशा ठंडे रहे, लास्ट गेम में भी कोई खास फैल नहीं था, 9 मैचेस में 4 विकेट है इस वेन्यू के ऊपर, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 5, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 1 विकेट है, बैटिंग जरूर करते हैं इस वेन्यू के ऊपर, 67 रन बल्ले से हैं। टिम डेविड बहुत शांत दिख रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर, कैच भी ड्रॉप किया लास्ट मैच के अंदर, रन भी नहीं बनाए भाई ने, 1 मैच में 9 रन है, चेस करते हुए टिम डेविड का हेड टू हेड के अंदर, वेन्यू के ऊपर रोज बॉल पे 5 मैचेस के अंदर 34 रन है, बैटिंग फर्स्ट 2, चेस के ऊपर 3, 10, 19 नाबाद। जेम्स फुलर 1 मैच में 2 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, वेन्यू के ऊपर 38 मैच में 28 विकेट है, बॉलिंग यहाँ पर इन्होंने 21 इनिंग्स में करी है, बॉलिंग फर्स्ट 12 मैच में 14 विकेटें हैं, बॉलिंग सेकंड के अंदर 9 मैच में 14 विकेटें और 7 बार विकेट लग गए हैं, तो लेट्स सी किस तरह से योगदान होता है। क्रिस जॉर्डन का 1 मैच में 1 विकेट है, एक्टूड के अंदर बॉलिंग फर्स्ट, बल्ले से 10 रन है, वेन्यू के ऊपर 21 मैच में 17 विकेट हैं, बॉल फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्टनसी कैप्टनसी प्रोस्पेक्टिव फॉर द फैंटेसी यूजर्स। रियान अहमद 1 मैच में 2 विकेट है, बल्ले से 33 रन भी इसने किया था, उसको प्रमोट किया गया था लास्ट टाइम जो एक्टूड हुआ था, इस गेम में भी आपको शायद ऐसा होता हुआ दिख सकता है, रियान अहमद स्पिन को अच्छा खेलता है। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 2 विकेट हैं, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 0 पर, बॉल सेकंड में 1 मैच में 2 विकेट है, बॉल सेकंड में भी अच्छा पीक है, बॉल फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो आप रिस्क लेना चाहो तो, पर बॉल सेकंड में लॉजिकली अच्छा पिक है। द इनफॉर्म प्लेयर फ्रॉम द इंग्लैंड क्रिकेट आप कह सकते हो इस टाइम पे क्रेग ओवरटन, बहुत अच्छे फॉर्म में इस वेन्यू के ऊपर आप देखें,
पांच मैचेस के अंदर 10 विकेट हैं, इसको करेक्ट कर लेना यार, 5 मैच में 10 विकेट है इसका, और बहुत अच्छी बॉलिंग करी इस बंदे ने इस टूर्नामेंट के, मतलब टूर्नामेंट का तो 2 ही मैचेस हुए, बट वाइटिलिटी T20 ब्लास्ट देखते हो बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके वेन्यू नंबर्स है 10 विकेट 5 मैचों के अंदर, मेरे से मिसटाइप हो गया है यहाँ पे, और बल्ले से 19 रन है। बड़ी चीज़ क्या है, हेडवर्ड इसने नहीं खेल रखा है, दैट्स द मेन पॉइंट। फील्डिंग बहुत अच्छी करता है वो, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खड़ा रहता है क्रेग ओवरटन। टिमार मिल्स एक मैच में 1 विकेट है, हेडवर्ड के अंदर बॉल फर्स्ट करते हुए, वेन्यू के ऊपर 11 मैच में 9 विकेटें हैं, बॉलिंग फर्स्ट 8 मैच में 5, बॉलिंग सेकंड 2 मैच में 4 विकेट है। एलेक्स डेविस के स्टार्ट से जो इधरली गए हैं, जफर चौहान, मैट फिशर, देखिए पिछले मैच में क्या हुआ था, क्रेग एवर्टन का था पहला पाँच, पहले से पाँचवें तक इसने डाला, फिर 11 से 15 बॉल डाली, 51 से 55 बॉल डाली, 91 से 95 बॉल डाली। गर्टन 6 से 10, 21 से 25, 61 से 65 बॉल डाली। टिमार मिल्स 16 से 20, 76 से 80, 86 से 90, 96 से 100। रियान अहमद 26 से 30, 41 से 45, 56 से 60, 71 से 75। टिम डेविड 31 से 35 बॉल डाली, मतलब 31, 32, 33, 34, 35, 31 से 35 का कहने का मतलब यह है। फुलर 36, 40, 46, 50, 66, 70, 81, 85। जब जॉर्डन खेला था तब जॉर्डन ने 86, 90 और 96, 100 डाला था, डेथ ओवर में 10 बॉल डाली थी आके। जुकाम लगी पड़ी है तो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ नाक सांस को रोक के, क्योंकि मैं सांस लूँ तो भाई पूरा नाक का हो जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो देखें एडम लैंग का 2 मैच में 20 रन है, बैटिंग फर्स्ट 0-20 और इस वरी के ऊपर 0 रन से बैटिंग फर्स्ट करते हुए, अच्छा प्लेयर है बट इस साल T20 ब्लास्ट में भी फॉर्म में नहीं था, ये अलग ही क्रिकेटर है, इसका मूड हुआ तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। टॉम बेंटन 3 मैचेस में 76 रन है, एडवर्ड के अंदर 34, 76, 6। वही बात करें वेन्यू की, 8 मैचेस में 106 रन है, यहाँ पे बस इन्होंने 2 ही बार 30+ स्कोर किया है और मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल डिजिट स्कोर इनके रहे हैं, अच्छे फॉर्म में वैसे सीजन में। मैथ्यू शॉट हेडवर्ड वेन्यू नहीं खेला, और पिछले गेम में जो कॉल्ड ऑफ हुआ था, अबॉन्डेड हुआ था बारिश के कारण, उस मैच के अंदर मैथ्यू शॉट ने 2 विकेट निकाले थे, आउट किया था वहाँ पे जो डैन माउसली थे, जो शदाब खान थे, दोनों का आउट किया था उस बंदे ने। पूरा मैच देखा था आप, इसलिए याद रहती कई चीज़ें। हैरी ब्रुक का 2 मैच में 43 रन है, 14-29 बैटिंग फर्स्ट, और वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 42 रन है, 14-28। एक फैक्ट है कि जो अपने हैरी ब्रुक है, IPL में भी उन्होंने शतक बनाया था बैटिंग फर्स्ट करते हो, आप याद करो, फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा, कोलकाता का मैदान था वो, अगेंस्ट KKR, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे थे, और हैरी ब्रुक का पूरे T20 करियर में बैट फर्स्ट 39 की औसत है, चेस के ऊपर 25, तो ये बैट फर्स्ट में बहुत अच्छा खेलता है। फिर आपको दिखेंगे यहाँ पर एडम वोस, 1 मैच में 9 रन है बैटिंग फर्स्ट करते हुए, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 24 रन है, बैटिंग फर्स्ट 0, चेस के ऊपर 20 और 4 है, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, ट्राई कर सकते हो उसको, स्पेशल प्लेयर है, बोथ द इनिंग्स सेफ जैप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लग रहे। वीसा 1 मैच में 13 रन + 1 विकेट है, बैट फर्स्ट करते हुए 13 रन बनाया था, वेन्यू के ऊपर 5 मैचों में 1 विकेटें हैं, 48 रन से, बॉलिंग 3 इनिंग्स में करी है, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 1 विकेट है, यहाँ पर लिखा हो क्लियरली पढ़ सकते हो समझ सकते हो, बॉलिंग सेकंड में 1 मैच में 0 विकेट था। ब्रैंडन कर्स का 1 मैच में 1 विकेट है, बॉलिंग सेकंड, वेन्यू के ऊपर भी वो इनके नंबर से नॉक इकोनॉमी रही थी, 15 बॉल का आई थिंक स्पेल था इनका। वेयर पर्नेल का हेड टू हेड के अंदर 4 विकेट है, 100 और बल्ले से 14 रन है, बैट बॉल सेकंड करते हुए, वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 0 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए 13 की इकोनॉमी थी। रिसेंट फॉर्म भाई वेन पर्नेल का बहुत अच्छा रह रहा है, देखो 1-1-0-1-5-0-2-1-3-3-2। आदिल राशिद 2 मैचेस में 3 विकेट है, बॉलिंग सेकंड करते हुए 1 बार विकेटलेस गया। वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 8 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 1, बॉलिंग सेकंड 4 मैचेस में 6 विकेटें हैं। टॉपली का 2 मैच में 4 विकेट, हेड टू हेड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पिक है ये, वेन्यू के ऊपर भी 9 मैचेस में 11 विकेटें हैं। बैजलडे को नहीं खिलाया गया लास्ट गेम, फील्डिंग जरूर करने आए थे। कालम परकिंसन का 1 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए। मैथ्यू पॉट्स बॉल सेकंड इस वेन्यू के ऊपर हेड टू हेड के अंदर विकेटलेस गया। ओली रॉबिन्सन के स्टैट्स स्टोक्स के स्टैट्स उन्हें दे दिए। स्टार्टिंग ओवर देखो कौन डालेगा, पिछले गेम में क्या होता, टॉपली ने पहली 10 बॉल डाली, वीसा ने 11 से 15 तक डाला, 36 से 40 डालने आया, फिर वेन पर्नेल 16 से 20, 71 से 35, बैडर गर्स 21 से 25 डाला, बहुत मार खाया था इसके अंदर, विल सेमिन ने धो दिया था उसको, 18 रन मार दिया था 5 बॉल के अंदर। आदिल राशिद 26 से 30, 41 से 50, 61 बॉल डालना चालू किया, इनके स्पेल के अंदर बारिश आ गई, आदिल राशिद के स्पेल के अंदर। शॉट ने 51 से 60 बॉल डाली, पूरा 10 बॉल का सेट डाल दिया था एक साथ। मैचअप्स देखते हैं, डेवन कोनवे का कोई मैचअप नहीं है, फिन एलन का जरूर यहाँ पे मैचअप है अगेंस्ट कोलम परगेसन, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 16 बॉल में 17 रन देखे, मैथ्यू पॉट्स ने 1 बार आउट किया, एडम लाइट ने भी 1 बार आउट कर रखा है। जेम्स विंस वर्सेस रीस टॉपली, ये हमेशा मैचअप रहा ही है,
छह इनिंग्स में दो बार आउट किया, 21 बॉल में 29 रन देंगे। लुइस डुप्ला वर्सेस पर्किंसन, 20 बॉल 24 रन, 5 इनिंग्स में एक बार आउट किया हुआ है। टिम डेविड वर्सेस वीसा, 13 बॉल 16 रन, 5 इनिंग्स में एक बार आउट किया। टॉपली ने 3 इनिंग्स में एक बार आउट किया, 7 बॉल में 10 रन देंगे। फुलर के देख सकते हो आप, एलेक्स डेविस है। मेरे को लग रहा है फुलर को निकाल के मेरे को लाना पड़ेगा यहाँ पे क्रिस जॉर्डन का मैचअप अगली बार। चलते हैं सदर जो अपनी टीम है सुपर चार्जर्स, टॉम बेंटन का यहाँ पे आप देखें, 6 इनिंग्स में दो बार आउट किया। टिमार मिल्स ने 21 बॉल में 23 रन देंगे। ओवरटन ने इनका आउट नहीं किया हुआ है क्योंकि ओवरटन उनके टीममेट है, क्रेग ओवरटन, दोनों सॉमरसेट के लिए खेलते हैं। मैथ्यू शॉट वर्सेस सैटनर, एडम लाइथ वर्सेस गर्टन, 3 इनिंग्स में दो बार आउट किया हुआ है, 8 बॉल में 5 रन देंगे। एडम बोस वर्सेस रियान अहमद, 4 इनिंग्स के अंदर 3 बार आउट किया है, 13 बॉल में 17 रन देंगे। हैरी ब्रुक का देख ले, वीसा का देख सकते हो आप, बहुत नीचे बैटिंग करते हैं सब। साइनअप कर सकते हो विजनल के ऊपर, फ्री के अंदर 500 रुपये साइनअप बोनस मिलता है, एंट्री फीस बहुत कम है। और आज इंडिया का मैच है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, दूसरा T20 है गयाना से, तो उस मैच में आपको 1,00,000 रुपये का गिवअवे देखने को मिलेगा। साइनअप कर लेना रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कॉमन कैप्टन क्रिस जॉर्डन, मैथ्यू शॉट अलग जाना है, तो डेवन कॉनवे, विंसी और वैन पर्नेल ओवरटन दोनों स्मार्ट बॉलर्स हैं, इनफॉर्म बॉलर्स हैं। मोबाइल ऐप प्ले स्टोर के ऊपर आप जाकर स्टैट चेक कर सकते हो, स्टैट्स गुरुजी नाम से, ऐड फ्री है। टीम्स की बात करते हैं, टीम देख सकते हो मैंने क्या किया है, जो टॉप ऑर्डर है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स का, जिसके अंदर टॉम मेंटन आते हैं, एडम लाइट आते हैं, दोनों को निकाल के मैंने ले लिया गर्टन को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गर्टन और ओवरटन डैमेज कर सकते हैं नई गेंद से अगेंस्ट नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स टॉप ऑर्डर, तो इस वजह से ऐसा किया है। मैथ्यू शॉट वन डाउन आते हैं, टू डाउन आपको हैरी ब्रुक दिखेगा, हैरी ब्रुक में बैटिंग फर्स्ट में लेके जा सकता हूँ। वैसे सीरियसली क्योंकि गर्टन के नंबर से आप इतने खास नहीं है, गर्टन इस वन्यू के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है। रोल अच्छा, उसका रोल हमेशा आपको एंगेज करता है टीम में रखें, बैटिंग करने आ जाते हैं 3 डाउन या 4 डाउन और बॉलिंग करते हैं पूरी 10 से 15 बॉल तो डालते हैं कम से कम। टिमार मिल्स है, वैन पर्नेल, टॉपली, आदिल राशिद, वीसे, विंस कॉनवे, फेनाल को लिया जा सकता है, अच्छा क्रिकेटर है। और जो मैंने प्रेडिक्शन दिया टूर्नामेंट के अंदर देखना, वो इस ब्रेकआउट सीजन जा सकता है, लेट्स सी वो प्रेडिक्शन सही जाती है नहीं। कॉनवे, टॉम बेंटन, फिनालन तीनों इंपॉर्टेंट्स है, बट बात करें कॉनवे की, कॉनवे के सामने नई गेंद लेके कौन आएगा, वैन पर्नेल आएंगे और आ कौन सकता है टॉपली, तो वहाँ पे विकेट मिलने के आसार है। फिनालन का विकेट निकाल सकता है टॉपली, कॉनवे का भी निकाल सकता है। और जो टॉम बेंटन के सामने क्रेग ओवरटन रहेगा, दूसरे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एज कम्पेयर टू गर्टन, तो वो भी विकेट निकाल सकता है, तो दोनों के पास नई गेंद का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। हैरी ब्रुक मिडल ऑर्डर में खेलेंगे, रन कर सकता है, एक मिडल ऑर्डर के अंदर रियान अहमद विकेट टेकिंग बॉलिंग ऑप्शन है इनके पास, विंस इंपॉर्टेंट, लुइस डुप्ला आप ट्राई कर सकते हो, इनके पास मिडिल टेकिंग विकेट टेकिंग ऑप्शन है, आदिल राशिद किसके पास, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के पास, इसलिए लुइस डुप्ला को निकाल सकते हैं। इवन मैथ्यू शॉट बॉलिंग करने आ सकते हैं इनके अगेंस्ट। एडम होस स्पेशल क्रिकेटर है और तगड़ा प्लेयर है, शॉर्ट ओवरटन इंपॉर्टेंट, रियान अहमद ग्राइंडिंग में ट्राई कर सकते हो, और वीसा मैंने लिया हुआ है। बॉलिंग में जॉर्डन, टॉपली, वैन पर्नेल, ये तीनों इंपॉर्टेंट। टिमार मिल्स बॉलिंग फर्स्ट के अंदर, आदिल राशिद भी आप ट्राई कर सकते हो इन द बोथ द सिचुएशन। तो देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। मिलते टेलीग्राम के ऊपर शाम के 6:30 बजे। सी सून, जय हिंद।